राहु दूसरे घर में, जी हाँ, बर्थ चार्ट में जब भी राहु सेकंड हाउस में आ जाते हैं, जन्म कुंडली के दूसरे घर में आ जाते हैं, किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरह से ये हमारे जीवन में पैसे की या धन दौलत की कहें दिशा दशा को डिसाइड करते हैं, और हमें शरीर के किस किस तरह के रोग दे सकते हैं और उनके उपाय क्या क्या हैं, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें और राहु दूसरे घर के रिजल्ट्स को देखें, हमें यह जानना होगा कि दूसरा घर किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जमा किया गया पैसा, धन स्थान, तिजोरी, ये दूसरा घर है। रिश्तों में ससुराल दूसरा घर है। इसके अलावा हमें जो भी जद्दी जायदाद यानी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है, ये दूसरा घर है। और इन सब चीज़ों के अलावा शरीर के अंगों में माथा, गला और एनल सिस्टम यानी मल त्यागने का स्थान, ये दूसरे घर के अंडर आता है। और राहु की एनर्जी क्या है? राहु हैं फ्लक्चुएशंस, यानी राहु जब दूसरे घर में आ जाएंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में फ्लक्चुएशंस ज़रूर देंगे। किस तरह से देंगे, उसके लिए हमें बर्थ चार्ट में कुछ और ताकतों को भी देखना पड़ेगा। देखिए, दूसरा घर जो है ये गुरु और शुक्र की एनर्जी को रखता है, तो बर्थ चार्ट में जब भी गुरु और शुक्र खराब होंगे तो राहु जो है दूसरे घर के एलिमेंट्स के प्रति बुरे रिजल्ट डेफिनेटली देगा। इसके अलावा राहु खुद भी जो है ये शनि की एक्सटेंशन है, शनि का एजेंट माना जाता है, तो राहु यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दे इसके लिए बर्थ चार्ट में शनि का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये राहु जब यहाँ पे खराब हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या देता है इंसान को, पैसे के अचानक लॉसेस जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। एकदम से दिया गया पैसा जो है वो अटक जाता है, वापस नहीं आता, इन्वेस्ट किया गया पैसा डेड हो जाता है, इंसान के पैसे के लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, या हम कहें कि इंसान जो है अपनी आदतों की वजह से कुछ इस तरह से कर बैठता है जिसकी वजह से इंसान के सडन लॉसेस हो जाते हैं। बहुत बार देखा गया है कि इन लोगों को सोने का नुकसान, सोना गुम जाना, सोना बिक जाना, इस तरह के भी नुकसान जो है सहने पड़ते हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि ये राहु खराब होने से शादी के बाद ससुराल की जो पोजीशन है वो डाउन जानी शुरू हो जाती है। ये राहु के खराब होने की एक बड़ी निशानियों में से एक है। यहाँ पे राहु खराब हो तो इंसान के जो हाथों के नाखून हैं वो भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, और ये एक सिम्टम होता है कि अब ये राहु जो है नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि दूसरे घर के राहु के बारे में ये भी कहा गया है कि ये इंसान राजा जैसा दिखता है, मतलब ये इंसान चाहे पैसे में जितने मर्जी उतार चढ़ाव के शिकार हो रहे हों, ये अपना एक ऑरा बना के रखते हैं, एक भ्रम की स्थिति बना के रखते हैं, दिखावा जो है इनको बहुत पसंद होता है, यानी ये अपने दिखावे की वजह से ही समाज में कई बार बहुत इज्जत के पात्र बन जाते हैं। यही राहु आगे जाके पैसे के प्रति भी ब्लेम्स इंसान को देते हैं, यानी उसके ऊपर गबन, चोरी, इस तरह के ब्लेम्स लग जाते हैं, कई बार मुकदमों में भी उलझना पड़ जाता है। यहाँ पे राहु हो तो इंसान अपने किए गए वायदे निभा नहीं पाता है, यानी उसकी जो कमिटमेंट होती है उसको पूरा नहीं कर पाता है। स्पेशली इन लोगों को चेक काट के देना जो है ये रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि ये चेक पास करवाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, कई बार चेक बाउंस होने की वजह से इनको मुकदमों का सामना भी करना पड़ जाता है। दूसरे घर का राहु जब खराब हो तो इंटेस्टाइनल सिस्टम यानी डाइजेशन की प्रॉब्लम या बवासीर यानी पाइल्स की प्रॉब्लम, ये कई बार देखी गई है। क्योंकि इस घर में जुपिटर की एनर्जी है और राहु क्या है, सफोकेट करने वाला धुआं, और जुपिटर क्या है, फ्रेश ऑक्सीजन, यानी अब सफोकेट करने वाला धुआं और फ्रेश ऑक्सीजन ये जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे नुकसान जो है बृहस्पति को ही उठाना पड़ता है। बृहस्पति हैं धन की कृपा, बृहस्पति हैं खुशहाली, तो दूसरे घर में राहु जो हैं खुशहाली को तो ग्रहण लगाते हैं, बृहस्पति घर के सीनियर मेंबर्स भी हैं, तो कई बार देखा गया है कि अलग अलग कारणों से उनको सांस की, छाती की, फेफड़ों की दिक्कत भी आ जाती है जब भी किसी के सेकंड हाउस में राहु होते हैं। सेकंड हाउस के राहु इसके अलावा और जीवन में क्या क्या उत्पात मचा सकते हैं? सेकंड हाउस के राहु जीवन साथी से भी अनबन करवा देते हैं, क्योंकि ये शुक्र का एरिया है और शुक्र और राहु का आपस में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। और यहाँ पे इंसान क्या करता है, क्योंकि दूसरा घर वाणी का भी घर है और राहु जो है ये फ्लक्चुएशंस है, मुँह से शब्द ऐसे गलत निकल जाते हैं या वाणी पे कंट्रोल खराब हो जाता है, इंसान गाली गलौज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गृहस्थी में दिक्कतें आ जाती हैं।
अगर आपको राहु की ये जो दिक्कतें मैं बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ कि इस राहु को सही करने के लिए हम उपाय कौन कौन से कर सकते हैं। दूसरे घर के राहु के बारे में कहा गया है कि ये राहु सोने को मिट्टी और मिट्टी को सोना कर देता है, जिंदगी जो है झूले सी बन जाती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, बृहस्पति और शुक्र का घर है दूसरा। बृहस्पति है सोना, शुक्र है मिट्टी, यानी मिट्टी और सोना दोनों इसी घर से संबंधित है, और राहु है फ्लक्चुएशंस, यानी राहु कभी मिट्टी को सोना और कभी सोने को मिट्टी, यानी झूले की तरह, पेंडुलम की तरह जो है लाइफ में इन्हीं चीजों का एक्सचेंज इंसान का चलता रहता है। यानी उतार चढ़ाव जो है ना लाइफ में, खास करके पैसे के मामले में, ये इंसान को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए, इन चीजों के बाद हम बात करते हैं उपायों की, कि अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस घर के राहु के हम उपाय कर कौन कौन से सकते हैं। यहां पे दूसरे घर के राहु को हाथी के पैर की मिट्टी बोला गया है। वो क्यों बोला गया है? देखिए, हाथी है राहु और मिट्टी है शुक्र। जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरा घर जो है ये शुक्र की एनर्जी वाला घर है, और जब यहाँ पे राहु यानी हाथी हो, तो हाथी के पैर की मिट्टी ये दूसरे घर का एक एलिमेंट बन जाता है। कहा गया है कि हाथी के पैर की मिट्टी को कुएं में फेंका जाए तो ये राहु अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अब कुएं में ही क्यों? क्योंकि जो छठा घर है बर्थ चार्ट का, ये कुआं यानी पाताल माना गया है। अब दूसरे घर का छठे घर से रेड बुक के एस्पेक्ट्स के हिसाब से सीधा सीधा रिलेशन बनता है। अब जब हम हाथी के पैर की मिट्टी को कुएं में फेंकते हैं, तो दरअसल हम राहु की बुरी एनर्जी को छठे घर में शिफ्ट करके इसको एक गुड एनर्जी बना रहे हैं, जिससे राहु की जो दिक्कतें हैं बहुत हद तक कंट्रोल होती हुई देखी गई हैं। इसके अलावा गृहस्थी में या स्पाउस के प्रति कोई दिक्कत हो, शादी ब्याह में दूसरे घर के राहु के कारण अड़चन आ रही हो, तो चांदी की गोली को गले में पहनना ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। अब चांदी की गोली जो है इसके ऊपर हुक लगवा के नहीं पहनना है। ये चांदी की गोली जो है एक केज शेप में होनी चाहिए, चांदी के एक हल्के से केज में बनवा के, ताकि गोली अंदर फ्री मूव करे। इसको गले में पहनना जो है दूसरे घर के राहु की इन अड़चनों को बहुत हद तक दूर करता है, क्योंकि दूसरा घर जो है यहाँ का इस स्थान का भी है। यहाँ पे केसर का तिलक लगाएं, केसर का तिलक भी जो है ये जुपिटर का कारक माना जाता है, और दूसरे घर में अगर हम जुपिटर को इंस्टॉल करें तो दूसरे घर के राहु के जो दिक्कतें हैं वो बहुत हद तक दूर होती हुई देखी गई हैं। इसके अलावा चांदी की डिबिया में केसर भर के अपने पास रखिए, इससे भी जो आपको पैसे की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं या धन दौलत को इकट्ठा करने में दिक्कत आ रही है, बहुत हद तक कंट्रोल होती है। इन सब के अलावा एक खास उपाय, क्योंकि दूसरे घर की जो आशियां, जो दूसरे घर की चीज़ें बोली गई हैं ना, उसमें सरसों के बीज भी बोले गए हैं, यानी येलो मस्टर्ड सीड्स। अब पीले सरसों के जो बीज हैं ना, उनको पीले कपड़े में ही पोटली बना के हमेशा अपने गले में, धन स्थान में, तिजोरी में रखिए, और फिर देखिए कि ये जो दूसरे घर के राहु है ना, किस तरह से आपको पैसे की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो राहु को सही करने के लिए ये जो मैंने उपाय बताए, इनमें से कोई एक उपाय अपनी दुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं, जिससे आपको दूसरे घर के राहु के अच्छे रिजल्ट मिल पाए। अगले वीडियो में तीसरे घर के राहु और उसके उपायों के साथ मिलते हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार।